हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि 29 फरवरी और 29,000 नौकरियां, लेकिन बदले में मिला क्या? लोग इंसाफ के लिए अपनी जमीन जायदाद बेचकर केस लड़ते हैं और ले जाते हैं तो सिर्फ तारीख। जी हाँ, आपको बता दें कि एचएससी की विभिन्न वैकेंसी के लिए अगली डेट दे दी गई है, 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी। सभी केस की सरकार ने रिक्वेस्ट की है, मगर अब युवा दो पिलरों के बीच में फंस चुके हैं, इधर कुआ है उधर खाई है, क्योंकि जल्द ही लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता भी लग सकती है। अगर आचार संहिता लग जाती है तो ज्वाइनिंग कैसे होगी, भर्ती पूरी कैसे होगी, और युवा जिसका वेट लंबे समय से कर रहे थे, पूरी मेहनत जो पूरे अपने जीवन काल में लगाई थी, जो फल उन्हें मिलना था, आखिर उस फल का लंबा इंतजार जो उन्हें करना पड़ रहा है, आखिर ये वैकेंसीज कोर्ट में क्यों फंसी हुई है, क्या नियम और जो कानून वैकेंसीज के लिए बनाए थे क्या वो अनुरूप नहीं है, क्या इन सब के पीछे कैंडिडेट्स की गलती है, आखिर इसके पीछे का कसूरवार कौन है? कहीं ना कहीं कोर्ट में इस फंसी वैकेंसीज को लेकर आपका क्या कहना है, आप भी कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।